ये देख लो भाई, निकल जाएंगे उधर से। दुश्मनी लाख सही पर रिश्ते निभाते रहना, दिल मिले ना मिले पर हाथ मिलाते रहना। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की वीडियो सीधा अपनी जो है गाड़ी से स्टार्ट हो रही है। देख लो, वीडियो स्टार्ट होते ही यहाँ पे एक एक्सीडेंट दिख गया। तो गाड़ी में से स्टार्ट हो रही है वो, इसलिए कि मैं निकला हूँ अभी गोपालगंज वाले रास्ते में। तो मैं ले कर निकला हूँ अभी अपने माता श्री को, हमारे डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट है। तो 11:30 हो रहा है, मतलब सॉरी 2:30 बज रहा है, 5 बजे से पहले हमें पहुँचना है, तो बहुत टाइम है। तो बस बढ़ते हैं और देख लीजिए, 3:00 बजने आए और मौसम लग रहा होगा आपको कि अभी एकदम सुबह सुबह हो रखा है, अर्ली मॉर्निंग है, 6-7 बज रहा है। तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, मौसम का हाल बहुत ख़राब हो रखा है, ठंड ही एकदम अल्टीमेट लेवल का है। और ऊपर से सुबह सुबह वो बाइक ने नौटंकी कर दिया था, आप लोग बताइए हैं, पिछला ब्लॉग देखा होगा। तो KTM हमारी जो है उसकी बैटरी उतर गई थी ठंडी के दिन में। ये सब बाइक जो है ना हाईटेक होती है, उनको जो है चलाते रहना पड़ता है। तो अगर आप 2-3 दिन भी छोड़ते हो ना तो उसकी बैटरी जो है उतर जाती है। बात ये नहीं है कि आपकी बाइक 6 महीने की है, 3 महीने की है। तो वही उसके साथ हुआ था। तो मैं सुबह सुबह गया उसको स्टार्ट करके, मतलब अभी ठीक कर दिया, अभी ओके हो गई है। उसके बाद हम लोग निकले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। ये देख लो भाई, ये ट्रक का कितना तगड़ा हेवी एक्सीडेंट हो रखा है। यही सब चीज़ें हैं लापरवाही से चलने का नतीजा। और फॉग में तो और लापरवाही ना करें भाई। मैं सबसे यही कहता हूँ कि रोड पे दोनों आँख कान सब कुछ खोल के चलो। और मैं भी वही चीज़ें अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करता हूँ कि मैं भी हर चीज़ खोल के चलूँ, देख के चलूँ। हालांकि देखिए, ये सब कहना बहुत आसान है, मैं भी कह रहा हूँ, हमें भी कोई कहता है, आपको भी कोई ना कोई कहता होगा कि अच्छे से चलो, देख के चलो। बट एक टाइम पे आदमी का ध्यान भटक जाता है, तो बस उसी को कंट्रोल रखना है कि ध्यान भटके ना, वरना एक लाइफ का कीमत बहुत ज़्यादा है जो हम लोग गेस भी नहीं कर सकते। चलिए कोई नहीं, बढ़ता हूँ आगे मैं। लो भाई, पहुँच आया मैं गोपालगंज RR मोड़ पे। उधर से मैं नहीं गया क्योंकि उधर से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिलता, तो मैं जादवपुर वाले रोड से होकर क्यों जाऊँगा, क्योंकि मुझे कैलाश होटल जाना है। तो अंदर सिटी में कौन फंसने जाता, तो मैंने सोचा चलो ठीक है, बाहर बाहर ही चल लेते हैं। और फॉग अपने अल्टीमेट लेवल पे है, फॉग का आप कुछ नहीं कर सकते हो, वो आपके कर सकता है। लो भाई, आ गया मैं अंदर गोपालगंज टाउन में, कैलाश होटल वाले रोड में। वो डॉक्टर्स इधर ही हैं। इधर किधर रहता है, आगे से लेफ्ट, यहाँ से आज तो हम लोग उधर से भी आ सकते थे, सर्किट हाउस के साइड से। चलिए कोई नहीं, निकल जाएंगे उधर से ही। लो भाई, कैलाश होटल से हम घूम गए सर्किट हाउस वाले रोड में। इधर ही है वो डॉक्टर अंकल जिनसे अपॉइंटमेंट है हमारा। ऐसे अभी भोजा नहीं है 5, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। डॉक्टर के पास आए, वो स्कूल भी चलाते हैं, मम्मी पापा और बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को शायद पढ़ाते हैं। ये पैसे नहीं लेते हैं ना, पैसे नहीं लेते हैं ना बच्चों से, लेते हैं भाई, ऐसे ऐसे डॉक्टर भी रहते हैं। चलो पैसे लेके पढ़ा तो रहे। तो लो भाई, हम निकल गए। और अगर आपके पास 4-व्हील है और बड़ी है तो इधर लेके मत आना सर्किट आउट से, ये कैलाश होटल वाले रोड में, क्योंकि बीच में एक बहुत ही बड़ा हम्प किसी ने कर दिया भाई, मिट्टी भर के। छोटी गाड़ी होगी तो फंस जाएगी नीचे। मेरे पास तो चलो बिग डैडी SUV थी, निकल गई, बट छोटी गाड़ी होती तो वहाँ पर फंस जाती। सो प्लीज़ इसमें लेके गाड़ी छोटी ना घुसे। और ये रहा, पूरा भगवा हो रखा है भाई, सारे लोग एकदम भगवाधारी हो चुके हैं। देख लीजिए, एक भाई ने तो भगवे कलर का अपना हुडी भी पहना, और ये कोई पार्क है, इस पार्क का नाम चलिए आगे मैं देख के बताता हूँ। सर्किट हाउस के जस्ट पीछे ही पड़ता है ये, मेरे को नाम नहीं याद है,
पता नहीं कौन सा पार्क है ये, महाराणा प्रताप चिल्ड्रंस पार्क, मतलब गोपालगंज में भी एक पार्क है। यहाँ से हम लेफ्ट लेंगे, राइट लेके जिसको पुलिस स्टेशन जाना है, भीम फील्ड जाना है, वो सब लोग उधर जा सकते हैं, उधर स्कूल भी है भी एम, पता नहीं क्या क्या केंद्रीय विद्यालय। तो हम यहाँ से लेफ्ट लेके निकलेंगे, NH 28 पकड़ के घर। ये देख लीजिए कंस्ट्रक्शन गोपालगंज में भी एकदम टॉप पे है। ये किस लग रहा है, ये पहले का फ्लाईओवर था, ये ब्रिज था, तोड़ दिया गया और अब यहाँ पे न्यू कंस्ट्रक्शन चल रहा है। अब ट्रैफिक जो है बहुत कम होगी। और इधर MT 15 पे दो लोग, एकदम इम्पॉसिबल राइड है, वो भी गुटखा खा रहा है, बताइए गलत चीज़ है ये। MT पे एक ही लोग के लिए ही अच्छा है दूर, क्योंकि इसका सीट जो है बहुत छोटा होता है, MT 15 का महंगी है ये, बट सीट इसका छोटा है तो एक लोग के लिए कंफर्टेबल है, आप कहीं भी जा सकते हो। ये दो लोग बैठे हैं, जैसा देखो इसका पिछवाड़ा नीचे गिर रहा है, बैग का तो छोड़ ही दो, तो वो जो बैठा होगा पीछे वही समझ रहा होगा। तो बाइक अच्छी है, कॉम्पैक्ट है, भागती है, कट वट निकालने वाला सब कुछ ठीक है। आप यूँ कह लो कि R15 के नेकेड वर्जन है, मतलब है ही क्या, कह लो, और बहुत अच्छा परफॉर्म करती है ये। अगर किसी को नेकेड में चाहिए ना, जो ज़्यादा गिरता फिरता हो या जिसको डर हो कि गिर जाएगी तो कह, तो वो यही ले भाई। क्योंकि मेरे सामने की बात है, हम लोग गए थे कल गांधी मैदान में, दरियापुर नाला रोड के पास पड़ता है एक कार्ड छपवाने, तो वहाँ एक MT वाला एकदम आके धड़ाम से गिर गया खुद का ब्रेक अप्लाई करके, लेकिन उसके बाइक में एक रुपए का कुछ नहीं हुआ। तो वही चीज़ देख के लगा कि हाँ यार, फेयरिंग वाली बाइक अगर गिरती तो अब तक उसमें हज़ारों के नुकसान हो गए होते। कोई नहीं, बढ़ते हैं आगे। ये है गोपालगंज छोड़ने का समय। ये देख लिया, ऐसे बसें जब मिले ना आपको दिल्ली वाली, तो इनसे दूर ही रहें, क्योंकि इन साले ये चलाते हैं 100 के प्लस, इनको पता ही नहीं होता है कि कब कहाँ कैसे चलना है। मैं तो इनसे दूरी ही बना लेता हूँ, या तो इनसे आगे निकल जाओ या तो पीछे रहो, आगे निकलना तो पॉसिबल है नहीं, देखते हैं पॉसिबल है निकलना, इनके पीछे मत चलो। देख लीजिए ये ट्रक के पीछे कितनी बड़ी बात लिखी है, कि मैं आप लोगों को जूम करके एक बार दिखाता हूँ या पढ़ के ही बता देता हूँ। ये जो लिखा है ना, OK 2022, दुश्मनी लाख सही पर रिश्ते निभाते रहना, दिल मिले ना मिले पर हाथ मिलाते रहना। पता नहीं ये ट्रक वालों को सारा अच्छे कर्म का ठेका मिला है क्या। ओए हो, ये क्या हो रखा है गाड़ी में, देख लीजिए बीच रोड पे वो गाड़ी का जो है टायर खुला हुआ था। ये सब लापरवाही का नतीजा है जो भी रोड पे हो रहा है ना। लो भाई, ये ट्रक वाले सारा जिम्मा ले कर रखते हैं दुनिया को सुधारने का, इनका ही सही है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम लोग गोपालगंज से लौटे आए या जाएँ और रुक के यहाँ पे जो है इनका फेवरेट फेमस गुलाब जामुन ना खाएं। देख लीजिए मम्मी गाड़ी में ही है, मैं और पापा आ गए हैं, उनके लिए भी लेके जाएंगे। अगर वहाँ आगे दिख रहा हो तो पूरे भर के कढ़ाई गुलाब जामुन रखा गया है। यहाँ भी देख लीजिए, ये रहे रसगुल्ले गुलाब जामुन, देख के एकदम अंडे जैसे दिख रहे होंगे, जैसे कि वो अंडा तल नहीं दिया जाता है, काला हो जाता है फ्राइड, बट बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। फटाफट से इसको खा लिया जाए। मम्मी का खाना हुआ हो गया, फेंक दीजिए ना उधर ही, गेट खोल के फेंक दीजिए। और ये बॉटल में पानी है। चलिए तो चला जाए, बड़ा ही अच्छा लगता है इनके यहाँ पे रुक के कुछ भी खा के। गाड़ी घुमाना है, इनका मीटर टूटा हुआ है। छोटी गाड़ी वालों को ना बड़ा प्रॉब्लम होता है घुमाने में, ले जाने में, कहीं पार्क करने में, मैं समझ सकता हूँ। अभी जैसे आगे उतना ऊंचा नीचा है। अभी देख लीजिए गुलाब जामुन खाने से हमारा मन नहीं भर आया, अब आ रहा है अंडा चप। अंडा चप खाना है। और पिस्टल बॉय हम लोग के साथ है ना, तो ब्लॉग देख के तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होगा, ये लोग लेके क्यों नहीं गए। बट हॉस्पिटल में हमेशा बच्चों को लेकर नहीं जाना चाहिए, और एक गाड़ी में सारा फैमिली ट्रेवल ना करे तो ही ज़्यादा बेहतर। चलिए फाइनली हम गोपालगंज से टाइम से ही अपना सब काम वाम निपटा के आ गए हैं मोहम्मदपुर। ये मोहम्मदपुर का ब्रिज है, ये क्रॉस कर रहा हूँ मैं, नीचे मार्केट में नहीं गया क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक लगेगा,
और आगे भी बहुत ट्रैफिक है। पिछले ब्लॉग में हमने देखा हो तो एक ट्रक ख़राब हो गई थी रोड पे ही, तो अब संदीप के पास रुकने के प्लान है, दूध लेंगे और फिर आगे जाएंगे। सो पहले गाड़ी को करेंगे साइड में, यही ट्रक जो मैं बता रहा था सुबह भी आपने देखा ही होगा। चलिए दूध ले लो तो लो भाई। अपना घर पे आना हो गया और घर पे आते आते ही मैं सीधा बेड में घुस गया हूँ और थोड़ा बहुत एडिटिंग चल रहा है अगर आप लोगों को दिख रहा हो तो ठीक है। फिर आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो कहीं पे भी किसी भी पॉइंट पे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें इंस्टाग्राम पे भी ज़रूर फॉलो करें, TS Gears के नाम से ही हमारा इंस्टा पे भी पेज है, और कमेंट करें अपने दोस्तों के साथ, शेयर भी कर लो यार। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।